ईश्वर सिंह जूं ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चटकनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मुजाफात एक अजीब पुरसरार कामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मार कर बैठ गई। ईश्वर सिंह जो कालेबन अपने परागंदा कयालात के उलझे हुए धागे खोल रहा, हाथ में कृपाण लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह कामोशी में गुजर गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और वो दोनों टांगे पलंग से नीचे लटका कर हिलाने लगी। ईश्वर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कूल्हे, थल थल करने वाले गोश्त से भरपूर कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, बालाई होंठ पर बालों का सुरमय गुबार, थोड़ी की साख से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईश्वर सिंह गो सर नेवढ़ाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ जो कृपाण थामे हुए थे थोड़े थोड़े लर्जा थे, मगर उसके कदोकामत और कदोखाल से पता चलता था कि कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजू तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह कामोशी से गुजर गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को बचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईश्वर सैया। ईश्वर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईश्वर सैया, लेकिन फौरन ही आवाज भींच ली और पलंग पर से उठकर उसकी जानिब जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईश्वर सिंह ने खुश्क होंठों पर जबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भन्ना गई, ये भी कोई माया जवाब है। ईश्वर सिंह ने कृपाण एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईश्वर सिंह से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनाचे उसके माथे पर हाथ रख कर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ है तुम्हें? ईश्वर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया, कुलवंत। आवाज में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने बालाई होंठ में आ गई, हाँ जानी, कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईश्वर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा, उसके गोश्त भरे कूल्हे पर जोर से धप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कुड़ी का दिमाग ही खराब है। झटका देने से उसके केस खुल गए। कुलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईश्वर सैया, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ के घर। ईश्वर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर के देखा और दफतन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा, सम वाहगुरु की बड़ी जानदार औरत है। कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईश्वर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम बताओ, कहाँ रहे? शहर गए थे? ईश्वर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुकम न हो जो तुमसे झूठ बोले। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता उस रात तुम्हें क्या हुआ। अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे, मेरी भपियां ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईश्वर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत कौर ने ये तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग नीला पड़ गया। ईश्वर सैया,
कसम वाहगुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम, कुछ भी नहीं। ईश्वर सिंह की आवाज बेजान थी। कुलवंत कौर का शुभा और ज्यादा मजबूत हो गया। बालाई होंठ भींच कर उसने एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ईश्वर सैया, क्या बात है, तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे। ईश्वर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कुलवंत कौर को अपने तनोमंद बाजुओं में समेट कर उसने पूरी कुव्वत के साथ उसे भंभोड़ना शुरू कर दिया। जानी मैं वही हूँ, घट घट पा जफिया, तेरी निकले हना दी गर्मी। कुलवंत कौर ने मुजाहमत न की, लेकिन वो शिकायत कदी रही, तुम्हें उस रात हो क्या गया था? बुरे की माँ का वो हो गया था, बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताओ, मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईश्वर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठों में गाड़ दिए। मूंछों के बाल कुलवंत कौर के नथनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईश्वर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कुलवंत कौर को शहवत भरी नजरों से देख कर कहा, आ जाओ, एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के बालाई होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आईं। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफान हो। ईश्वर सिंह ने उसके भरे हुए कूल्हे पर जोर से चुटकी भरी। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। न कर ईश्वर सैया, मेरे दर्द होता है। ईश्वर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर का बालाई होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और किचकिचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतार के फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तुरुप चाल। कुलवंत कौर का बालाई होंठ कपकपाने लगा। ईश्वर सिंह ने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं, इसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंत, कसम वाहगुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी, बड़ा जालिम है तू ईश्वर सैया। ईश्वर सिंह अपनी घनी काली मूछों में मुस्कुराया, होने दे आज जुल्म, और ये कहकर उसने मजीद जुल्म धाने शुरू किए। कुलवंत कौर का बालाई होंठ दांतों तले किचकिचाया, कान की लवों को काटा, उभरे हुए सीने को भंभोड़ा, उभरे हुए कूनों पर आवाज पैदा करने वाले चाटे मारे, गालों के मुंह भर भर के बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सारा सीना थूकों से लथेर दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईश्वर सिंह उन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा न कर सका। जितने गुर और जितने दाव उसे याद थे, सबके सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर न हुआ। कुलवंत कौर ने जिसके बदन के सारे तार तन कर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईश्वर सैया, काफी फेंट चुका है, अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हापता हुआ वो कुलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गर्माने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कुलवंत कौर के मुंतजिर बामल आजा को सख्त नाउम्मीदी हुई तो वो झल्लाकर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़ कर और नथुने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईश्वर सैया, वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रह कर आया है, जिसने तुझे निचोड़ डाला है? ईश्वर सिंह पलंग पर लेटा हापता रहा और उसने कोई जवाब न दिया। कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी, मैं पूछती हूँ, कौन है चड्डू, कौन है वो उल्फती, कौन है वो चोर पता?
ईशर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने भरे हुए कूल्हों पर हाथ रख कर एक अज्म के साथ कहा, ईशर सैया, मैं आज झूठ सच जान के रहूंगी। खा वाहगुरु जी की कसम, क्या उसकी तह में कोई औरत नहीं? ईशर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत कौर ने उसकी इजाजत न दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ, टिक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा वाहगुरु जी की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईशर सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में सर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई, लपक कर कोने में से कृपाण उठाई, म्यान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईशर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फव्वारे छूट पड़े। कुलवंत कौर की इससे भी तसल्ली न हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईशर सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सौत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईशर सिंह ने थोड़ी देर के बाद नकाहत भरी इल्तिजा की, जाने दे अब कुलवंत, जाने दे। आवाज में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। कौन ईशर सिंह के गले से उड़ उड़ कर उसकी मूछों पर गिर रहा था। उसने अपने लर्जा होंठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रिये और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा, मेरी जान तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कुलवंत कौर का हसद फिर भड़का, मगर वो कौन है तुम्हारी माँ? लहू ईशर सिंह की जबान तक पहुँच गया। जब उसने उसका जायका चखा तो उसके बदन पर झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं भीनी या छह आदमियों को कत्ल कर चुका हूँ इसी कृपाण से। कुलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी, मैं पूछती हूँ कौन है वो हरामजादी? ईशर सिंह की आंखें धुंधला रही थी, एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली न दे उस भड़वी को। कुलवंत चिल्लाई, मैं पूछती हूँ वो है कौन? ईशर सिंह के गले में आवाज रुंध गई, बताता हूँ। ये कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया, इंसान माया भी एक अजीब चीज है। कुलवंत कौर उसके जवाब की मुंतजिर थी। ईशर सैया, तू मतलब की बात कर। ईशर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूछों में और ज्यादा फैल गई, मतलब ही की बात कर रहा हूँ, गला चिरा है माँ या मेरा, अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और जब वो बात बनाने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत, मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़िया भी एक अजीब चीज है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन एक बात तुम्हें न बताई। ईशर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईशर सिंह ने मूछों पर जमते हुए लहू को फूंक के जरिए से उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें सात आदमी थे, छह मैंने कत्ल कर दिए इसी कृपाण से जिससे तूने मुझे छोड़ उसे। सुन, एक लड़की थी बहुत सुंदर, उसको उठा मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर कामोश सुनती रही। ईशर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मूछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी, मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं। ईशर सैया, कुलवंत कौर के तो हर रोज मजे लेता है, ये मेवा भी चख देख। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा हूँ और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में
नहर की पटड़ी के पास थोहर की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटू, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईश्वर सिंह की जबान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निगलकर अपना हलक तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह के हलक से बमुश्किल ये अल्फाज निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झंझोड़ा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म के तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईश्वर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था।